गाइस मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। फूट फूट के रोई जिया जदा दिद की ये बातें सुनने के बाद। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोग कंटिन्यूसली मेरी वीडियोस देख रही हैं तब आप लोगों को पता होगा कि जिया और जदा दिद में कल रात को कुछ ऐसी बात हुई जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अभी जो है जदा दिद के बारे में लोग काफ़ी तरह तरह की और नेगेटिव बातें कर रहे हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस जदा दिद जो है उनकी स्टोरी, उनकी मम्मी जो है घर से भाग गई थी, उनके पापा भी उनको छोड़ के चले गए, उनके घर के पड़ोसियों के पास जदा दिद बचपन में रहे एक रात, फिर उसके बाद जो है उनको अनाथ आश्रम में डाल दिया गया। जो भी बने हैं, जैसे भी बने हैं, वो कभी स्कूल तक नहीं गए, वो अपने बलबूते पे बने हैं, किसी ने सपोर्ट तक नहीं किया। उनकी शादी भी हुई बट अभी सेपरेट है, उनकी 4.5 साल की लड़की है। ये अब तक की उनकी कहानी है। इसी दौरान ही जदा दिद ने कभी फैमिली नहीं देखी थी, कभी बहन, कभी भाई, कभी माँ, कभी बाप, प्यार फैमिली का कभी नहीं देखा था। जिया के साथ बैठे हुए थे जदा दिद और ये बात बोलते हुए नजर आए कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और मैं अपने दिल की बातें जो है तुझे बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सब अब मेरे अंदर ना बहुत सब चीज़ें भरी हुई हैं और मैं अगर बताता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तुझे बता के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर आके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे परिवार का अहमियत पता चली, परिवार क्या होता है। फलक मेरी बहन बनी, तुम सब लोग मेरे दोस्त बने, माँ बाप जैसा प्यार भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। मैं काफ़ी ज़्यादा ग्लैड हूँ, थैंक्स टू गॉड हूँ कि मुझे ये सब चीज़ें मिली, मुझे प्लेटफॉर्म मिला और मैं कभी भी जो है तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, ना यहाँ पर ना तो बाहरी दुनिया में। कुछ भी तुम सबके ऊपर कुछ भी हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने स्टैंड करूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। तो ये बातें जैसे ही जदा दिद बोलते, बहुत इमोशनल होके बोलते, तो जिया बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, रोने लग जाती है कि भाई तू ऐसा मत बोल। और इवन जदा दिद बोलते कि नहीं, मुझे तुम लोगों को बचाने के लिए अगर खुद को भी नॉमिनेट करना पड़े ना, मैं खुद को भी नॉमिनेट करूंगा। यार जदा दिद को गेम का फॉर्मेट शायद ज़्यादातर पता नहीं है, बट ऐसा कर नहीं सकते, गेम है ये, गेम तो खेलना पड़ेगा। खुद के भाई को भी नॉमिनेट करना पड़ता है अगर यहाँ पर आ गए हैं। बट फिर भी जो है जदा दिद की इमोशनल बातें सुन के जिया बहुत इमोशनल हुई। वहीं पर फलक को भी ये बातें बोली, फलक भी काफ़ी ज़्यादा रोने लग गई मेकअप करते हुए कि यार तूने मेरा मेकअप ख़राब कर दिया। जदा दिद जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, उनका कल्चर अलग है, पर लोग जो है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लांछन लगा रहे हैं भाई सोशल मीडिया पर। क्या आप लोगों को पता है? नहीं पता तो मुझे बताइए, कि नहीं पता फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।